देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के हित में, इस देश के गरीबों के हित में, इस देश के किसानों के हित में, इस देश के नौजवानों के हित में, इस देश की मातृशक्ति के हित में जो भी अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा काम है वह करने में वह पीछे नहीं हटते। आज भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। जो दुनिया के शक्तिशाली देश नहीं कर सके वह भारत कर रहा है, चंद्रमा पे तिरंगा फहरा रहा है। कल जो हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों में चंद्रमा पर तो हम पहुंच ही गए हैं, कल भगवान सूर्यदेव का क्या आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए भी हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक अपना रॉकेट, अपना यान वहाँ भेजने का काम करने वाले हैं, उनको बधाई देता हूँ। एक देश एक चुनाव यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं उसके साथ खड़ा है। हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके ये बताया, एक देश में एक संविधान रहेगा, एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेगा। इसको लाने का काम कांग्रेस ने किया था जिसकी अगुवाई में सपा आज उसके पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का काम किया। यह अनेक चुनाव जो देश के अंदर होने लगे हैं वो अभी कांग्रेस के पापों की सजा हमारी जनता भुगत रही है, उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए देश के पूर्व निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में कमेटी बनाने का ऐलान हुआ है। मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस साहसिक फैसले के लिए उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि इस देश के विकास के लिए रोज रोज चुनाव की जगह एक 5 साल में एक चुनाव की आवश्यकता है और उस दिशा में यह कदम उठाया गया है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि एक नई बोतल है उसमें पुरानी शराब को भर दिया गया, ये कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। ये सारे लोग घबरा गए, जब कोई अच्छे फैसले होंगे, नोटबंदी हुई तो ये घबरा गए, धारा 370 हटी ये घबरा गए, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आया ये घबरा गए। इस देश के अंदर जो भी बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा उसके खिलाफ यह सारा विपक्ष एकजुट होता है, हो हल्ला करता है। इसलिए मैं विपक्षियों को जो कांग्रेस के साथ उनको यही कहूँगा कि वो सब अपनी पार्टियों का कांग्रेस में विलय कर दें, आए आमने सामने अपनी ताकत आजमा लें। जनता अगर हमारे साथ है तो मेरे मोदी जी 2014-2019 से भी बड़े अंतर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर इनके साथ होगी तो इनको सफलता मिलेगी। लेकिन इनके अंदर साहस नहीं, ये विलय नहीं करेंगे, ये केवल फूट डालो और राज्य करना चाहते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये तुष्टिकरण की घटिया राजनीति करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर बनाने वाली ताकतें हैं। इसे कमजोर करने वालों को जनता ने कमजोर कर दिया और देश को मजबूत करने वालों को जनता ने मजबूत कर दिया। कहा ये घोषी उपचुनाव आगे मुसलमानों का राज जो है मंजूरी काट दिया गया। घोषी सबका साथ सबका विकास के मंत्र का साथ देते हुए भाजपा के साथ खड़ा है। बिजली कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, कटेगी या जुड़ेगी वो कोई विषय ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान के भेदभाव बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम इस मंत्र का पालन करते हुए सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ सेवा कर रहे हैं और वो हम करेंगे। आपने कहा ये चुनाव आगे बहुत बड़ा चुनाव, निश्चित तौर से घोसी उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 403 में से एक विधानसभा का उपचुनाव है और 2024 के लोकसभा से पहले है। यह संदेश देने वाला है क्योंकि 2024 में हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ता के परिश्रम, आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया उसके बल पर जीतेंगे। धन्यवाद।